ગામમાં પાણીની ટાંકી તો છે, નળ પણ છે, પાણીનો બોર પણ છે, બસ નથી તો એકમાત્ર પાણી જ નથી। હાથમાં પુસ્તકના બદલે માથા પર બેડલું લઈને જતા નાના નાના ભૂલકાઓ 45 ડિગ્રી ગરમીમાં હેરાન થઈ રહ્યા છે। આ દ્રશ્યો છે મહેસાણાના ડાલીસણા ગામના। માત્ર 7 વર્ષની માસૂમ જ નહીં, તેના ભાઈ બહેન અને માતાનું દિવસનું મોટા ભાગનો સમય આ જ રીતે પાણી લાવવામાં વીતી જાય છે। આ પરિવાર ઢોર પણ પાળે છે, જેને પાણી પીવડાવવું પણ પડે છે। આ પશુઓની સાથે સાથે તેમની પોતાની પાણીની જરૂરિયાત ગરમીના કારણે ન્યૂનતમ થઈ ગઈ છે, પરંતુ તેમ છતાં તેમને આખી બપોર સુધી પાણી ભરતા રહેવું પડે છે। બહુ પરેશાન હૈ દેખો પાણી એ ઢોરો કો પિલાને સે બહુ પરેશાન હોતે હૈ હમે પીને સે બહુ પરેશાન હોતે હૈ હમ કહાં સે પાણી લાએ હમારે ઇતને આજુબાજુ કહાં પાણી આતા નહીં હમ કહાં સે લાએ પૂરે ગાંવ મે પાણી નહીં આતે। हाँ, पूरे गांव आते हैं थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं। अभी नल लिया है तो भी नहीं, फिर भी पानी नहीं आ रहा, तो हम कहाँ जाए। इतने डोर हमारे पौधे हैं, हम इतने परिवार है, तो पानी हमारे पीने लिए तो चाहिए ना। इतने साल से यहाँ पे पानी की परेशानी, यह तो एक साल तो डेढ़ साल तो हो गया है पानी से। ये थे टैंकर एक नंखा देते तो 500 रुपये लेते, लेकिन अठवाड़े भी नहीं चलते, तो फिर क्या करें। हम गरीब लोग हैं, हम पंगी है, तो फिर हमारी मजदूरी धंधा नहीं, तो पानी कहाँ से हमें डाले इसे 500-500 रुपये अठवाड़ी न अठवाड़ी। ये हुआ मेरी परेशानी है पानी लिए। बिल्कुल, पानी के लिए जो किल्लत है वो सबसे ज्यादा है, और इनके पास मवेशी भी है, क्योंकि इनके रोजगार का जरिया जो है वो मवेशी है। ये बताइए कितने जानवर है आपके पास? 10 है, और उन्हीं के जरिए आपका घर चलता है? हाँ, उन्हीं के लिए हमारे घर चलता है, लेकिन इसमें इतने भी हमारे कोई घर नहीं चलता, क्या करें। लेकिन ढोरों के लिए हम तो इतना बड़े गमे से पौड़ी पानी डीला है, पैसा बेच लाए बेचा तो पौड़ी लाए, हमें ढोरों ने हमारे जीवन अभी गुजर रही। सरकार द्वारा वारंवार जाहिरात करवामां आवी छे कि दरेक घर में नल, दरेक घर में जल, परंतु मेहसाणाना खेरालु तालुका में आवा 40 गामो छे, ज्यां छेल्ला 20 वर्षथी पाणीनी अछतना कारणे लोको परेशान छे। સ્થિતિ એવી છે કે છેલ્લા 2 વર્ષથી આ ગામ અને આજુબાજુના તમામ ગામોમાં ચૂંટણીના બહિષ્કારના બેનરો લગાવી દેવામાં આવ્યા છે, અને લખવામાં આવ્યું છે કે અહીં કોઈ નેતાને મત માંગવા ન આવવું। આખો વિસ્તાર ધરોઈ ડેમના વિસ્તારમાં આવે છે। ડેમના કારણે માત્ર મહેસાણા જિલ્લા જ નહીં, ઉત્તર ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લામાં અહીંથી જ પાણી જાય છે, પરંતુ ડેમ નજીક આવેલા આ 40 ગામમાં પાણી આવતું જ નથી। લોકોનું કહેવું છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી જ તેઓ અહીં પાણીની લાઇનોની માંગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આટલા વર્ષોમાં અનેક વચનો મળ્યા છતાં સરકાર દ્વારા અહીં પાણીની કોઈ વ્યવસ્થા ન કરતા અહીંના લોકો પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે। પાણી કી પરેશાની ઇતની હૈ કે ગામને ચુનાવ કા બહિષ્કાર કિયા હૈ। इस वक्त हमारे साथ गांव के जो यहाँ के सामाजिक अग्रणी है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कीर्ति भाई, ये बताइए कितनी परेशानी है आप लोगों को? पानी की बहुत ही समस्या है बहन जी, और सब लोग परेशान है पानी से, आप देख ही रहे हो। क्या आप लोगों की ओर से सरकार में कितनी बार कहा गया? 2 साल से हमने चुनावी बहिष्कार किया है, और लास्ट 20 साल से हम सरकार में रजूआत करते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुना जाता ही नहीं है। सरकार की ओर से कुछ कहा गया था? आपने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि पानी मिलेगा। हाँ, 2002 में जब इलेक्शन के टाइम मुख्यमंत्री जी की, नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे तब उनकी वहाँ सभा थी, तो सभा में बोले थे कि एरिया में इतना पानी ला के दे दूंगा कि यहाँ गंदा होगा, लेकिन अभी तक गन्ना होगा यहाँ पे, ये एरिया में गन्ना होगा। लेकिन गन्ने की बात छोड़ो मैडम जी, हमारे यहाँ तो पीने का पानी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गांव वाले किस तरीके से ये समस्या? अभी तो हम लोग टैंकर से पानी लाते हैं, और गांव में 2 दिन में एक बार टैंकर आता है और पानी लेते हैं पीने के लिए। ये समस्या हर बार होती है या सिर्फ समर के टाइम पे या गर्मियों के दिनों में? नहीं, हर साल कंटिन्यूज रहती है मैडम, पानी नहीं है। 1000 फुट तक तो हमने बोर करवाए है, लेकिन पानी मिलता ही नहीं है। हम भी थक गए, आर्थिक थक गए है, पूरे गाँव में कहीं भी कोई बिजनेस है नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, फिर सिर्फ पशुपालन और खेती का व्यवसाय है हमारा,
तो अभी तो पानी नहीं है, खेती में कुछ पकता नहीं है, तो सभी लोग देवादार है और किसी के पास कोई रोजगार है ही नहीं। हिजरत करने की परिस्थिति आई हुई है हमारे यहाँ। आपने भी चप्पल नहीं पहने हैं, उसके पीछे क्या बात है? 2 साल से मैंने मन्नत रखी है। हम पूरे 4 गांव के लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ मंदिर में, और मंदिर में बैठ के हम लोगों ने एकजुट होके मैंने मन्नत भी रखी है कि जब तक ये विस्तार का पानी का प्रश्न हल नहीं होगा तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि चप्पल उन्होंने नहीं पहन रखी है क्योंकि इलाके में पानी की जो समस्या है वो काफ़ी बड़ी है। 20 साल से ये पानी की समस्या है। सरकार में कितनी बार आप लोगों ने कहा? सरकार में सभी जगह पे मामलेदार कचहरी से सीएम तक के पूरे कलेक्टर को बताया था, और सभी जितने भी राजकीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल में भी जो भी लोग है, सरकार में जो भी है, सभी को हमने बताया है। आज तक किसी ने हमारे हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। मैडम जी, प्रशासन की ओर से कहा गया कि प्रोजेक्ट यहाँ के लिए अप्रूव हो गया है? कोई ऐसी बात नहीं है, वो बताते जा रहा है, लेकिन ऐसे तो हर बार इलेक्शन का टाइम आता है। ये 2022 का है तो वो विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है तो बोल रहे हैं कि हम हो जाएंगे। ऐसे तो हम 20 साल से सुनते आए हैं, जब इलेक्शन का आता है तो तब बोलते हैं लोग कि पानी आ जाएगा। और हम 20 साल से एक ही तरफ से वो बीजेपी को जिताते हैं सरकार में, और हमारा MLA भी सरकार का ही रहता है। ये बताइए कि आप लोगों ने कितने साल से यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार करके रखा? 2 साल से बिल्कुल बहिष्कार में है हम लोग। हमने तालुका पंचायत, जिला पंचायत, गांव पंचायत और अगले विधानसभा में भी हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। यहाँ पे कितने गांव वाले हैं, ऐसे कितने गांव हैं? अभी आज तक तो हमने 4 गांव ने बहिष्कार किया थे, लास्ट 30 गांव भी जुड़े हैं और 5 गांव भी जुड़े हैं। टोटल मिलके 40 गांव है और 1 लाख से ज़्यादा वोटर है हमारे साथ। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हमारे वडिलो मतलब 20 वर्ष पहले से हमारा वडिलो भी सरकार के पास ये पानी की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक मांग पूरी की नहीं है। हमारे तालुका में धरोई डैम है और नर्मदा की भी लाइन है। सरकार जो इरादा रखे देने की तो 100% पानी दे सकती है, लेकिन हमारा ये पानी का समस्या हल नहीं करती। हम बरसों से सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, 25-25 साल से हम मांग रहे हैं, लेकिन हमारी मांग ये पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम बहिष्कार में खड़े हैं। हमने किया था सरकार को, हमें इस पहले भी हमें न्यूज़ में बोले थे कि हम विरोधी नहीं है, हम सरकार के पास पानी मांग रहे हैं और ये सिंचाई के पानी की समस्या हमारी जो हल हो जाए तो हम ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और जो पानी की समस्या हल नहीं हुई तो हमारे ये 4 गाँव मॉडल है इस हम बोले थे, तो अभी तक ये सच हो रहा है। हमारे 30 गाँव हमारे साथ जुड़े हैं, अभी तो 44 गांव भी पानी के लिए आंदोलन करें। हाँ, आंदोलन करेंगे पानी के लिए। 44 गांव भी जुड़े हैं और हम देश की कोई जाहिर नुकसान किए बिना हम पानी के लिए सरकार के साथ बहिष्कार में उतरेंगे, और पानी नहीं तो वोट नहीं, ऐसा हमारा नारा है। और सब गांव हमारे जुड़े हैं, हम सरकार को अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे तालुका में डैम, हमारे तालुका में योजना, और हमें जो सरकार 200-250 करोड़ की योजना युद्ध के दौरान पर जो योजना बनाए तो ये सॉल्व हो सकता है पानी का, लेकिन ये सरकार करे ऐसा हम आशा रखते हैं। और नई सरकार कहेंगे तो हमारे सब गांव स्वयंभू व्यक्तिगत दरेक लोग बहिष्कार में उतरेंगे, वो 100% सत्य है। सरकारी बाबुओनुं कहेवुं छे के 40 થી વધુ ગામડાઓ માટે સરકારે મહેસાણામાં 250 કરોડની યોજના બનાવી છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે। લોકો હાલ પણ પાણી માટે ઝઝૂમી રહ્યા છે। ગુજરાતમાં પહેલા એપ્રિલ મહિના સુધી જ માત્ર પાણીનો પોકાર રહેતો હતો, પરંતુ હવે મે મહિનો પણ આકરો બન્યો છે। પાણી માટે રણસંગ્રામ થઈ રહ્યો છે। હવે લોકો અને ખેડૂતો રસ્તા પર ઉતરી રહ્યા છે, પાણી માટે આંદોલનના માર્ગે વળ્યા છે। મહેસાણા અને બનાસકાંઠામાં 130થી વધુ ગામો પાણી માટે આક્રમક બન્યા છે। આગામી સમયમાં ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે આ ગામોમાં પાણી નહીં તો મત નહીં તેવા સૂર ઉઠી ચૂક્યા છે। ત્યારે આવનારી ચૂંટણીમાં સરકારને પાણીનો પોકાર કેટલો નડશે એ તો આ ઉત્તર ગુજરાતના ગામની જનતા અને ખેડૂત જ નક્કી કરશે। पानी की कितनी मुसीबत है यहाँ? यहाँ पर पानी की मुसीबत बहुत ज़्यादा है। कितने दिनों पे पानी आता है? पानी लगभग 3-4 दिनों में एक बार आता है। और क्या करते हैं पानी की, कितने सालों से इस तरीके की समस्या? इस समस्या है लगभग 20 साल से।
कितना मुश्किल होता है बच्चों को रखना, घर के साथ सारी चीजें, पशुपालन के मुश्किल पड़ता है। बहुत दूर दूर से पानी उछल के लाना पड़ता है, पशुपालन के लिए भी टैंकर से पानी लाना पड़ता है, वो भी पैसे खरीद के। घर के काम के लिए भी बहुत सारा पानी, बहुत दूर दूर से पानी उछल के लाना पड़ता है हमें। कितनी परेशानी होती है सरकार में, आप लोगों के गांव के ओर से कहा गया? बहुत कहा गया, बहुत सारी चुनौतियों के बहिष्कार भी किया गया, लेकिन हमारे कोई भी प्रश्न का कोई भी उत्तर उसने नहीं दिया, हमारा कोई हल ही नहीं निकल रहा। क्या आशा रखते हैं सरकार से, क्या सरकार हमें इतनी उम्मीद रखते है कि हमारे इस प्रश्न का हमें जल्द से जल्द हम निकल लाए हमें पानी से। बा, आपका नाम बताइए। हमारा नाम शारदा है। कितनी परेशानी होती है, कितने साल से ये परेशानी है? तो 20 वर्ष से आ पानी नु आवु छ, पण हु करिए, आ उपाड़ी नथी एक तो ए दूर दूर थी पानी लाबु पड़ो छ। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग अम्मा है, ये अम्मा इस तरीके से पानी, थोड़ा थोड़ा पानी अपने घर लेके जाती है क्योंकि उठा नहीं सकती है। कितनी मुश्किल पड़े, कितनी घरे, कितना लोग को मुश्किल पड़े, 5-6 जन छे, बहु करिए लाबु पड़ो छ पीवा माटे दूर दूर थी। અને બાળકોને તકલીફ થાય છે ઘર વસ્તુ? એ તકલીફ તો થાય જ ને, પાણી વગર નાવું છું, ધોવું છું, બધી તકલીફ થાય। બિલકુલ, ઓર દૂસરી મહિલા યહાં પે મોજૂદ હે, ઉનસે બાત કરતે હૈ। યે બતાઈએ, આપકા નામ બતાઈએ। દક્ષાબેન કિરણગીરી ગોસ્વામી। દક્ષાબેન, યે બતાઈએ, કિતની પરેશાની હોતી હૈ પાણી કે બિના, આપકે લિયે કિતના મુશ્કિલ હૈ? 10 દિવસ નાતે હૈ હમે તો, ઘર પે બચ્ચે કી ભી કપડે ભી નહીં ધોઈ સકતે હૈ, પાણી પીવાના ભી નહીં હૈ, કુએ થી લાતે હૈ પાણી। कितने किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, टैंकर आता है कितने दिनों पे आता है? 10 किलोमीटर जाते हैं पानी भरवा, टैंकर भी आती है, पैसे खर्चते थे। हर रोज टैंकर लाना संभव होता है पैसे खर्च? नहीं 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 है। वीडियो जर्नलिस्ट उज्ज्वल ओझा साथे गोपी खांगर, डाली सणा, गुजरात तक।